देख सकते हैं मेरा साथ मेरा बेटा है कवि। हम लोग दोनों बाप बेटा जो हैं हम लोग चले हैं मेला देखने के लिए, और अब कुछ ही दूर बाकी है, लगभग हम लोग मेला पहुंच चुके हैं। अब मेला हम लोग घुसेंगे, फिर आप लोग को बताते हैं। नदी पहुंच चुके हैं, रिस्का डूबा नदी। हाय गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि हम रिस्का डूबा धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उस पत्थर में आप लोग लिखा हुआ भी देख सकते हैं, इसमें रिस्का डूबा धाम लिखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यही नदी में भी इतना भीड़ हो जाएगा। रिस्का डूबा नदी है ये। रिस्का डूबा जो है बहुत पुराना ऐतिहासिक नदी है। इसमें अभी बहुत भव्य मेला लगेगा। अभी आदमी लोग अभी यहाँ अटने नहीं लगेंगे। अभी इसमें मूर्ति भस्मन होगा। और हम लोग दोनों बाप बेटा आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मेला देखने आए हैं। अभी फिलहाल भीड़ नहीं है, अभी थोड़ा धीरे धीरे भीड़ हो जाएगा। अभी मूर्ति हर गांव से 10-15-20 गांव से जो है आदमी लोग मूर्ति को यहाँ लाता है, सरस्वती माँ का मूर्ति को, और इसी नदी में विसर्जन करते हैं सरस्वती माँ का प्रतिमा को। फिर रिस्का डूबा धाम में जो है यह मंदिर है बजरंग बली का, और इसमें एक बहुत ही पुराना बाबा रहते हैं जो कि इस मंदिर का सेवा है। चलिए, ये बाबा जो है महतो हैं, और बाबा दिनेश्वर बाबा इनका नाम है। यह जो है 73-74 से ये पूजा करते आ रहे हैं। तो और आगे मंदिर है देवी माँ का, सरस्वती माँ का, उसमें उसका भी दर्शन चलिए देख सकते हैं। देवी माँ का मंदिर है, और बाबा जो है इसमें प्रसादी बांट रहे हैं। तो बाबा का नाम सदन पान है, और देवी मंदिर में जो है बाबा बहुत मतलब दिन से सेवा कर रहे हैं। और तो अभी जो है इस रिस्का डूबा धाम में जो है बहुत भव्य मेला लगने वाला है। आज ही के दिन सरस्वती का पुरस्कार के दिन जो है यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। तो देखिए कभी जो है फुचका खाने जा रहा है, उसको फुचका खाने का मन कर रहा है मेला में। है कि अभी पूरा घूम रहा है, इसलिए कभी भीड़ नहीं है। बाद में इतना सारा भीड़ हो जाएगा कि बच्चा लोग को घूमना फिरना इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बाबा देखिए कभी को फुचका कभी खा चुका है, और फुचका खाने के बाद अब कभी छोला खाने जा रहा है। पूरा मेला अभी देखना है, कहे कि पूरा मेला अभी भीड़ है। और नदी का इस पार जो है रिस्का डूबा धाम है। देखिए बाबू छोला खा के ख़त्म कर चुका है, और अब हम लोग दूसरा तरफ चलेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरा ब्लॉग वीडियो में, फिर दिखाएंगे अभी पूरा रिस्का डूबा। धीरे धीरे मूर्ति आना शुरू हो गया है, और अभी बहुत सारा भीड़ हो जाएगा, पूरा भव्य मेला लगेगा अभी। आप लोग देख सकते हैं देखिए नदी है, तालाब जो है बहुत, आदमी सब और आगे जाने के लिए।